हेलो फ्रेंड्स, मॉम डिलाइट किचन में आपका स्वागत है। और देखिए, आज हम बना रहे हैं बथुआ और उड़द की दाल की ऐसी सब्जी जो आपको बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि ये बहुत पौष्टिक है। बथुआ और ये उड़द की दाल दोनों को मिला के आइए बनाते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं। अब कढ़ाई हमारी देखिए मैं चढ़ा दी थी, गर्म हो गई। थोड़ी बड़ी कढ़ाई लेंगे और जिसकी पेंदी भारी हो वो कढ़ाई लेंगे। और इसके लिए हमने देखिए कढ़ाई गर्म कर ली है अपनी। इसमें 2 चम्मच तेल डाल देते हैं हम लगभग। और ये देखिए, ये हमने तेल हमारा गर्म होने वाला है। ये देखिए हमारे तेल से धुआं आ गया है। और अब हम देखते हैं, डालते हैं इसमें जीरा। 1 चम्मच जीरा हमने ले लिया है। जीरा चटकने देते हैं। देखिए जीरा हमारा सब हो गया है अच्छे से। अब इसमें हम डालेंगे हींग। थोड़ी हींग हमने थोड़ी सी ज़्यादा ली है। और ये देखिए, और इसमें हम डालेंगे हरे मिर्चे, 3-4 मिर्चे काट के रखे हमने। अदरक 2 इंच के करीब अदरक हमने घिस के धो के रखी हुई है। ये सब डाल के इन सब को ऐसे चला लेते हैं। आपको लहसुन खाना हो तो आप इसी जगह बारीक बारीक काट के लहसुन भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए अदरक मिर्चे हो गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी। अदरक मिर्चा हमारा पक गया है। अब इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच हल्दी। और हल्दी के तुरंत डालने के बाद ये दाल और बथुआ डाल देते हैं। बथुआ दाल डालने के बाद इसमें हम डालेंगे ये देखिए 1 चम्मच नमक। हमने 250 ग्राम बथुआ लिया था और 1 कप भर के दाल ली थी, उसको भिगो दिया था पहले से। आधा घंटा पहले दाल भिगो देने से दाल अच्छे से सब फूल गई है, जल्दी पक भी जाएगी। और हमने इसमें 2 चम्मच के करीब नमक डाल दिया है। और इन सबको चला देते हैं। देखिए नमक वमक सब पड़ गया है इसमें। अब हम डाल देंगे इसमें पानी। देखिए 1 ग्लास पानी और ये हमारा 2 ग्लास पानी। इसमें हमने 2 ग्लास पानी डाल दिया है। और इसको किसी थाली से बर्तन से ढक देंगे। देखिए ये हमारी दाल 20 मिनट हो गया पकते पकते, अभी भी ये पक तो गई है। बथुए ने अपना सारा पानी छोड़ दिया है तो ये इतना रसा सा हो गया है इसमें। अब हमने दाल दबा के देखी है। ये देखिए दाल को दबा के देखेंगे तो दाल ये पक चुकी है। ये देखिए पूरी, पर ये इतना गीला नहीं खाया जाता, इसको थोड़ा सूखा किया जाता है। तो अब हम फ्लेम को तेज कर देंगे। और इसके तेज या तो आप मीडियम कर दीजिए या फुल कर दीजिए, जिससे ये पानी सूख जाए। इतना गीला इसको नहीं खाया जाता है। इसमें अब हम डाल देंगे 5-6 जो बम्बैया कली बाज़ार में वो मिलती नहीं है, ये डाल दिया हमने। खटाई आम का जो अचार खटाई मिलती है वो डाल सकते हैं। और ये हमने डाल दिया। इसको चलाते हैं इसी तरह। और इसको अब फ्लेम को हम मीडियम ही रख के खुला ही ऐसे पकाते रहेंगे ताकि ये पानी सूख जाए। देखिए ये दाल मेरी पक के बिल्कुल तैयार हो गई है, बिल्कुल परफेक्ट। आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल पानी नहीं रह गया है। वैसे खाने को तो आप पतला भी खा सकते हैं, पर ये अच्छा यही सूखा सूखा ही लगता है। और ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और उसके बाद हम इसको किसी बर्तन में परोस लेते हैं। अब इसको हम ऊपर से एक बार और छौंका लगा देते हैं जिससे इसका टेस्ट और भी अच्छा आ जाए। और ये देखिए इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा जीरा और 2-3 लौंग तोड़ के डाल दिया है। और हींग एक बार और ऊपर से छौंक देते हैं। गैस को बंद करके इसके ऊपर से छौंका लगा देते हैं, क्योंकि अदरक वगैरह तो हम डाल चुके हैं पहले। ये देखिए हमने छौंका लगा दिया ऊपर से, जिसमें इसका टेस्ट और निकल के आएगा। अब इसको हम सर्व कर लेते हैं खाने के लिए किसी भी प्लेट में। आप ये देखिए हमने सर्व किया। और इसमें आप चाहो इसमें ऊपर से जो देसी घी डाल के खाया जाता है उसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। ये देखिए ऊपर से देसी घी डाल दिया। आप थोड़ा सा नींबू भी निचोड़ सकते हैं अकॉर्डिंग योर टेस्ट।